Hello friends, what's up? This is Ankit Shivan. Welcome to my channel. Thanks for subscribing and thanks for your love and support. So friends, आज मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ workout using this resistance band. Means कि ये resistance band की help से हम कैसे workout कर सकते हैं घर में. अब जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जिम तो बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है. तो जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली के हिसाब से और भी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी लॉकडाउन लगा हुआ है. तो उस कंडीशन में आप कैसे वर्कआउट करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो आज मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा रेजिस्टेंस बैंड के बारे में मैं बता देता हूँ. इसमें क्या है कि काफ़ी तरह के बैंड्स होते हैं, इसमें अलग अलग आपकी जो है रेजिस्टेंस दिया जाता है. जैसे कि ये सबसे हैवी है आपका, सिमिलरली ये इससे थोड़ा सा हल्का होता है, ये और हल्का है, और ये सबसे हल्का है. इसमें एक्चुअली 5 बैंड थे और जो उसमें से 5th बैंड है वो मेरा टूट चुका है वर्कआउट करते करते. तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप वर्कआउट कर सकते हैं इसके यूज करके. तो इनको मैं हटा देता हूँ अभी फिलहाल. तो आज जो मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ वो है चेस्ट का वर्कआउट. कैसे हम यूज करेंगे रेसिपमेंट चेस्ट के वर्कआउट के लिए. और इसमें दो तरीके हैं, या तो आप टिल फेलियर पर ग्रैप जाइए, पर राउंड जाइए, मतलब राउंड स्टाइल. उसमें क्या करना है आपको, हर राउंड आपको टिल फेलियर करना है. उसके बाद आपको 30 सेकंड का गैप देना है या 1 मिनट का गैप देना है. 30 से लेकर आप 1 मिनट तक का गैप दे सकते हो और उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज रिपीट करनी है. या फिर आपका है वॉल्यूम वर्कआउट, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको डिफरेंट सेट लगाने हैं, यानी 3 से 4 सेट लगाने हैं और उनके 15 रैप्स रहेंगे जो कि आप लगाएंगे. तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों. तो पहली जो एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ वो है अपवर्ड चेस्ट फ्लाई. मींस कि अपवर्ड जो आपका एंगल रहेगा, ये मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कैसे आप अपने, जैसे कि मैंने भी एक थोड़ा सा यहाँ पे जो है अरेंजमेंट किया है, किस तरीके से आप अपना स्टेयर्स को या उनका जो ये हैंडल है उसको यूज़ कर सकते हैं वर्कआउट के लिए. तो ये इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली आप इसकी जगह आप अपने डोर में या किसी और चीज़ में भी लगा सकते हो. मतलब आपका जो बेसिकली रेजिस्टेंस बैंड का जो एंगल रहेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इस तरीके से प्रॉपरली होल्ड करिए और ये एक्सरसाइज जो मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें आपकी पोजीशन इस टाइप से रहेगी, पूरा कंट्रोल्ड वे में. मींस कि आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए उनमें, तो उनको कंट्रोल्ड वे में इस तरीके से धीरे धीरे पूरा नीचे ला के स्क्वीज करना आपको. ऐसे जैसे आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली लोअर चेस्ट के लिए. ठीक है, तो आप इस तरीके से 15 रैप्स के बाद अपना जो है अपने आप को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का रैप वो दे सकते हैं. और अगर आपको इसी को थोड़ा सा और हैवी करना है तो आप सिंगल हैंड कर सकते हैं इसको इस तरीके से. 1 2 3 4 5. सिमिलरली दूसरे हाथ से भी किसी को इसी तरीके से परफॉर्म करें. 1 2 3 4 5. तो गाइज अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ अपनी सेकेंड एक्सरसाइज. तो हमारे चेस्ट का वर्कआउट है यूजिंग दिस रेजिस्टेंस बैंड. ओके, तो सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी वो भी सेम एंगल पे रहेगी. मीन्स की अपवर्ड एंगल रहेगा रेजिस्टेंस बैंड का और हमारा जो मूवमेंट रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा. तो अभी जो हमने की थी चेस्ट फ्लाई की थी, अब जो हम करने जा रहे हैं वो है चेस्ट प्रेस, अपवर्ड चेस्ट प्रेस. ओके, तो ये आपकी पोजीशन रहेगी. इसमें इस टाइप से आपके हाथ पूरे जो है पूरी कंप्लीट बैक साइड में जाएंगे. उसके बाद आपको इनको अपना फ्रंट ऑफ बॉडी में लाना है इस तरीके से मोशन. 1 2 3 4
5 6 बिल्कुल टच करना है आपको आगे लाके और स्क्वीज करना है। 7 8 9 10 11 12 फॉर मोर टू गो 30 30 40 50। तो ये आपकी मूवमेंट रहेगी और ये आपकी जो पोजीशन है ये डिसाइड करेगी कि आपका जो फोर्स है कहाँ पे आ रहा है। ये आपका लोअर चेस्ट पे आएगा वो आपकी पोजीशन डिसाइड करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं करवाने जा रहा हूँ आपकी थर्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है मिड चेस्ट प्रेस। यानी कि जैसे कि नाम से क्लियर है कि मिडिल साइड ऑफ अपना चेस्ट आपका ये फोकस करेगा। सेकंड थिंग, जो हमारा एंगल रहेगा वो भी मिडिल में रहेगा, मींस कि जो रेजिस्टेंस बैंड है आपका वो मिड में आप उसको यूज करिए। मिडिल मींस आपका मिड पार्ट ऑफ बॉडी, उसको भी कहा जा सकता है तरीके से। तो इसमें क्या है, मिड चेस्ट प्रेस में आपको बेसिकली सेम प्रोसीजर रहेगा। और एक चीज़ आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आप इसको थोड़ा सा अगर जैसे आपको अगर रेजिस्टेंस कम लगता है तो आगे आके इसकी फोर्स को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरीके से आगे स्टेप लिया और 1 2 3। इंश्योर करिए इस चीज़ को कि आपके हाथ आगे टच जरूर करें। 5 6 7 8 पूरा बैक स्क्वीज, पूरा बैक तक लेके स्क्वीज। एक्चुअली मैंने काउंट नहीं किया अभी, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया कि 15 के अराउंड मेरे लैप्स हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आप मिड चेस्ट प्रेस कर सकते हो। देखिए, इसमें आप अपनी घर की जितनी भी आपकी आइटम्स हैं घर की, जैसे मैं ये मेरी स्टील रेलिंग है इसका यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने 15 लैप्स कम्प्लीट कर लिए तो आप वाटर ब्रेक ले सकते हो। जैसे कि मैं अपना VCAA इंजॉय कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है लो अपर चेस्ट फ्लाई। मींस कि जैसे नाम से क्लियर है लोअर एंगल रहेगा इसमें आपका और लोअर से आप अपर साइड जो है अपने आप मूवमेंट रहेगी। तो इसमें जैसे कि मैं अब आपको इसमें लगा के दिखाऊंगा लोअर साइड में, तो इसकी जगह आप लोग कहीं और अगर जैसे यूज करना चाहें तो बेड के नीचे भी लगा सकते हो, आप बेड के जो लेग होता है उसे एक लेग के अराउंड लगा सकते हो, या फिर आपने आप जो है डोर के उसमें भी लगा सकते हो, या फिर किसी भी टेबल के अराउंड भी आप अपना इजीली लगा सकते हो। प्लेसमेंट इस तरीके से रहेगी। इंश्योर जरूर करिए कि इस चीज़ को कि ये आपके दोनों साइड से ये इक्वल हो, नहीं तो आपका एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम फोर्स भी लग सकता है। तो ये है लो अपवर्ड चेस्ट फ्लाई। 1 2 इस तरीके से आप नीचे से क्रॉस बॉडी ऊपर तक ले गए। 4 5 6 7 पूरा कंट्रोल्ड वे में। देखिए कि आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि आपके हाथ डाउनवर्ड जाते टाइम बिल्कुल झटके से ना जाए, स्लोली। 9 10 11 आगे जाते टाइम चेस्ट को पूरा स्क्वीज करिए। 13 14
तो इस तरीके से आप पूरा अपने चेस्ट पे इंटेंस वर्कआउट का पंप भी फील कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी एक्सरसाइज थी लोअर टू अपर जा रही है, तो इसमें जो हमारा रेंज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट एरिया रहेगा चेस्ट का वो अपर चेस्ट रहेगी। आप यूजुअली खुद भी चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अगर लोअर से अपवर्ड लेकर आते हैं तो आप देखते हैं कि अपर चेस्ट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप मिड में करते हैं तो आपकी मिडिल चेस्ट पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी तरीके से आप अगर अपर साइड टू लोअर साइड लेकर आते हो तो आपके लोअर चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। तो इस तरीके से आप खुद भी अपने बॉडी पार्ट को टच करके चेक कर सकते हैं कि आपका टारगेट एरिया कौन सा है। हाँ तो गाइज, नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसका नाम है लोअर अपवर्ड चेस्ट प्रेस। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, लो साइड हमारा एंगल रहेगा, रिस्ट ब्रांड की पोजीशन भी लो साइड रहेगी, सेम आपकी फ्लाई वाली पोजीशन रहेगी, और इस तरीके से आपकी जो है प्लेसमेंट हैंड्स की रहेगी। थोड़ा सा आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हो रिस्ट इंक्रीज करने के लिए, जिससे कि प्रेशर आपकी चेस्ट पर इंक्रीज हो जाएगा। और All back, squeeze, पूरा कंट्रोल्ड वे में आपको एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी है। इस चीज का ध्यान रहे कि आपके शोल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ना हो। squeeze. पूरा कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करते रहिए। बैक एंड स्क्वीज। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइजें रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने घर में रहते हुए भी अपना मसल्स को जो है अच्छा पंप, अच्छा टोन दे सकते हैं। और अगर आप जिम मिस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हैं, जिससे कि आप अपने रूटीन में रह सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और सेकेंड थिंग, आप और क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए किस टाइप की सीरीज लेके आऊँ होम वर्कआउट्स की, तो वो भी मुझे प्लीज़ आप बता सकते हैं। बने रहिए चैनल पे। थैंक्स।